चलो भाई सच सच बताओ, कौन कौन ये सोच के सो देखा था कि यहाँ पे आने वाले फिल्म ब्लेवर की फिल्म ब्लेवर तो आई नहीं, और मैंने पहले ही कहा था भाई उम्मीद लगाना मत, वरना भाई आपके लिए अच्छा खासा शो है वो खराब हो जाएगा। तो भाई मैंने तो उम्मीद नहीं लगाई और मेरी उम्मीद सच हुई, यहाँ पे फिल्म ब्लेवर नहीं है तो मेरे लिए भी शो काफी अच्छा था। तो कैसे वीडियो में बात करने वाले आज जो है नेशनल पे व्यू में जो कि हुआ था शिकागो सिटी में, 12,000 लोग आए थे, अरीना पे सोल्ड आउट था और काफी कमाल का ये पेपर व्यू रहा भाई मेरी नज़रों में। और शायद उसे कोड़ी में क्या हुआ, एक बार फिर से कोड़ी जीत चुके हैं क्या, और भी क्या क्या हुआ पूरे शो में, काफी कमाल की चीज़ें हुई है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कैसे सब जानने के लिए वीडियो का एंड तो देख लो बिना स्किप किए, अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओ। मैं जहाँ पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट देखने को मिलती रहती है। चलिए आज कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे हम शो के मेन इवेंट के बारे में, इट्स कोडी जोन्स वर्सेस सेथ रॉलिंस द अमेरिकन नाइटमेयर वर्सेस द विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस। तो यहाँ पे शो में मैंने पहले दिखा दिया जाता है कि कोडी जोन्स को जो इंजरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी डिस्पाइट इंजरी वो जो यहाँ पे कम्पीट करने आने वाला, तो काफी अच्छी बात है वो कम्पीट करने आए। यहाँ पे दोनों की जो एंट्रेंस होती है वही कोडी जोन्स की जो इंजरी साफ साफ दिख रही थी कि वो भी एक ही हाथ से एंट्रेंस करे, तो जो पोज मारते रहते ना तो उन्होंने एक ही हाथ से किया, दोनों हाथों का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया। और साफ साफ दिखा था कि सेथ रॉलिंस जो माइंड गेम खेले जा रहे कि उन्होंने आज जो कपड़े पहने थे वो भाई ट्रेडमार्क कपड़े हैं डस्टी रोड्स के, जो कोडी जोन्स के पिताजी है। तो भाई सेथ रॉलिंस का जो माइंड गेम है वो चालू है, और माइंड गेम जो है ना यहाँ पे मैच के दौरान भी चालू रहता है। मैच के बीच में यहाँ पे जो एक बार वो बैट लेके आ जाता है जो कि होती है डस्टी रोड्स की, लेकिन उस पर जो विजनरी लिखा हुआ था उससे भी जो मतलब कोडी जोन्स पर जो अटैक किया जाता है, और भाई काफी खतरनाक और ब्रूटल मैच था ये मेरे हिसाब से। तो भाई बाकी तो एल एस एल के मैच के हिसाब से सही था और मेरे हिसाब से काफी अच्छा मैच था। यहाँ पे हमें शुरुआत में भी देखने को मिल जाएगा कि जो कोडी जोन्स है वो कोडी कटर भी लगा देता है सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ पे किक आउट कर जाते हैं कि भाई कोडी जोन्स को काफी मुश्किल से लगा पाते, क्योंकि इंजरी जो लेजिट थी और साफ साफ यहाँ पे दिख भी रही थी। यहाँ पे इंजरी के बावजूद भी जो है कोडी जोन्स है ना बैक एंड फोर्थ चला रहे थे पूरे मैच को, और मैच काफी मुझे एंटरटेन लगा। यहाँ पे हमें दो फ्रॉग स्प्लैश भी देखने को मिलता है, एक काउंट हो जाता है और एक सही से लग जाता है। पेडिग्री देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस ने भी यहाँ पे जो क्रॉस रोड लगाया था कोडी जोन्स को, कोडी जोन्स ने वापस काउंटर करके भी क्रॉस रोड लगा दिया। टोटल यहाँ पे कोडी जोन्स ने 3 क्रॉस रोड लगाए है। स्लैश हैमर का भी उपयोग होता है, लेकिन स्लैश हैमर का उपयोग जो है सेथ रॉलिंस तो कर नहीं पाते, कोडी जोन्स करते थे मैच के एंडिंग में। स्टॉम्प भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन स्टॉम्प से भी कुछ फायदा निकलता नहीं है, सेथ रॉलिंस जीत तो पाते नहीं। एंडिंग में यहाँ पे बढ़ते भाई 3 क्रॉस रोड, एक स्लैश हैमर और कोडी जोन्स इज स्टिल योर विनर। मुझे समझ नहीं आता भाई, इंजरी के बावजूद भी यहाँ पे कोडी जोन्स जीत चुके हैं, आरआईपी लॉजिक तो पहले हो चुका है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुक जो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। और सेथ रॉलिंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट रहा वो साफ से उनके चेहरे पर दिख रही थी, और एज आई एम अ फैन ऑफ सेथ रॉलिंस, सेथ रॉलिंस मेरा फेवरेट स्टार है, तो मुझे काफी यहाँ पे बुरा लगा सेथ रॉलिंस के लिए। व्हाट वी कैन डू बिकॉज एंड ऑफ द डे कोडी जोन्स यहाँ पे एक बार फिर से जीत चुके हैं, उन्होंने सेथ रॉलिंस को लगातार 3 बार जो लगातार हरा दिया, तो ये काफी बुरी बात है, बट ठीक है कोडी जोन्स के लिए तो अच्छा ही है, सेथ रॉलिंस के लिए बुरा है, सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए बुरा है। बाकी आपको कैसा लगा मुझे मैच बता सकते हो, बाकी जितने बचे हुए मैचेस है ना उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा उनका रिजल्ट बता देता हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलती है भाई रॉ वुमन चैंपियनशिप के ट्रिपल थ्रेट मैच के साथ, और इस मैच को जो मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि वो मैच जो आधा घंटा लेट होता था, तो इस मैच को मैं देख नहीं पाया, लेकिन बताया जाता है ट्विटर पर कि मैच जो काफी कमाल का था, और वैसे भी इन तीनों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैच काफी कमाल का डिलीवर करें, और काफी कमाल का इन्होंने डिलीवर भी किया। लेकिन एंडिंग में यहाँ पे जो है प्रियंका प्ले अपना फिनिश या फिर जो कोई सिग्नेचर मूव लगा देती है आस्का को, आस्का को पिन करके वो जो है ना जीत चुकी है, और वो स्टिल है आपके रॉ वुमन चैंपियन। बाद में देखने को मिलता है यहाँ पे हैंडीकैप मैच बॉबी लैशली वर्सेस उमस एंड एमवीपी, और मैच से पहले जो मैं डिस्ट्रैक दिखाया जाता जो कि एमवीपी ने रिलीज किया था बॉबी लैशली के लिए, और काफी सारे डिस्ट्रैक था, डिस्ट्रैक का नाम था फॉल माइटी, आप चाहो तो उसको यूट्यूब पे जाकर ना सुन सकते हो, अवेलेबल है एकदम फ्री में, तो जाकर सुन लेना। बाकी से मैच भी देखो सामने बॉबी लैशली के सामने बॉबी लैशली ऑल माइटी, अब सामने दो आए चाहे चार आए बॉबी लैशली कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी दोनों को जो धोखे रख दिया है। फिर यहाँ पे है ना सेडरिक अलेक्जेंडर इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर की सहायता से जो उमस और एमवीपी वो हार जाते हैं, और यहाँ पे जो बॉबी लैशली ने स्पीयर लगा दिया लास्ट में एमवीपी को, नहीं एमवीपी को स्पीयर भी लगाया, उमस को भी स्पीयर लगा दिया, लेकिन लास्ट में जो हर्ट लॉक के सहारे से यहाँ पे जो एमवीपी को टैप आउट करवा दिया और बॉबी लैशली यहाँ पे जीत चुके हैं। बाद में देखने को मिलता है केविन ओवेंस और इजिकल का मैच, और इस मैच के लिए भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, और भाई ठीक ठाक से मैच था, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, यहाँ पे जो कंट्रोल है ना मतलब लगभग पूरे टाइम 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे जो है ना केविन ओवेंस के पास में था, और लास्ट में केविन ओवेंस एक भाई खतरनाक किक मार देता टॉप पर इजिकल के, और फिर लगाता एक कैनन बॉल, फिर लगाता स्टनर, और केविन ओवेंस यहाँ पे जीत चुके। बाद में देखने को मिलता है 6% मिक्स टैग टीम मैच जजमेंट डे वर्सेस द एजे स्ट्राइकर टीम जिसको हम कह सकते हैं बुलेट क्लब। भाई शुरुआत में मैच काफी धीमा चल रहा था, मैं बिल्कुल बोर हो गया था, लेकिन भाई एंडिंग में मतलब जाते जाते जैसे जो पेस पकड़ी ना काफी कमाल की पेस थी, सब अपने अपने फिनिशर कनेक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी केओ चल रहा है, एंडिंग में भी केओ चल रहा है, मैच के बीच में भी केओ से चल रहा है, लेकिन एंडिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं जो फिर मैंने अपना फिनिशर लगाने देता है एज को, क्यों एज जो है ना लेटे हुए होते हैं, उनको शॉर्ट गन ड्रॉप किक जो है वो स्लिंग बेर मार दिया होता है, तो भाई उन पर जो फिनिशर के लिए तैयारी करते होते हैं, लेकिन यहाँ से हमें डिस्ट्रैक्ट करने को मिलती है भाई रिया रिपली, अब पीछे से लिम वगैरह आती जब तक जो एज रिकवर कर लेते हैं, यहाँ पे एज जो काउंटर कर देते कोपडी ग्रेस का, और यहाँ पे फिर लग जाता है स्पीयर होता है 1 एंड 2 एंड 3, और यहाँ पे जो एज की टीम है वो स्टिल आपकी जीत चुकी है, और ये फिर तो अभी ऑस्ट्रेच होने वाली। बाद में देखने को मिलता है शो पे नो होल्ड्स बार्ड में इट्स हैवी कॉर्बिन वैसे मैट के मॉस, काफी एंटरटेनिंग मैच भी था, मुझे तो भाई काफी पसंद आया। यहाँ पे फिर जो है मैट के मॉस आखिर में जीत चुके भाई, उन्होंने सेम टू सेम वैसे जीत हासिल की जैसे यहाँ पे इस मैडम पे अटैक हुआ था उन पर उस अंडर द जायंट ट्रॉफी से, तो यहाँ पे उन्होंने जो चेयर में उनका मुंह फंसा हैवी कॉर्बिन का, यहाँ पे स्टील स्टेप्स होती है ना उसे अटैक कर दिया, और फाइनली जो यहाँ पे जो मैट के मॉस
जीत चुके हैं और अब मे भी ये जो फ्यूड है वो एंड हो चुकी है। तो मैं लास्ट मैच की तरफ ये मैच भाई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए टॉस ने धोए उसे मुस्तफ़ा अली, और मुस्तफ़ा अली को जो यहाँ पे क्राउड ने सपोर्ट दिखाया बिकॉज वो जो टाउन बॉय है तो शिकागो उनका ही घर है, तो यहाँ पे सपोर्ट दिखाया गया। भाई क्राउड के सपोर्ट से मैच नहीं जीत सकता, अगर आपको मैच जीतना है तो यहाँ पे मिस्टर मैकमैन का सपोर्ट चाहिए होता है और वो सपोर्ट है ऑस्टिन थोई के पास। तो ऑस्टिन थोई ने अपना फिनिशर कनेक्ट किया 8 राउंड डाउन, ऑस्टिन थोई ने जो पिन करके सक्सेसफुली क्लीन वे में जो यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। और वैसे भी विंस मैकमैन का जब तक साथ है तब तक तो ऑस्टिन थोई को जॉन सीना भी नहीं हरा सकते। तो भाई ऐसे कुछ जो है आज का हेल इन सेल का जो पेपर व्यू खत्म हो चुका है, मेरे हिसाब से भाई एवरेज पेपर व्यू था, जैसे मैं बैकलेस जैसे भाई ठीक ठाक। बैक आपको कितना रेट करना चाहोगे बता सकते हो। इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन थी, मैं मिलता हूँ।